ये जरूरी नहीं है कि मातृभूमि की सेवा आर्मी में जाके की जाए मातृभूमि की सेवा तो जहाँ से मौका मिले वहाँ से मातृभूमि की सेवा कर सकते हैं जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे ही जिले को चुना गया जब मौसम यहाँ का ही अनुकूल पाया गया चीताओं के लिए और चीता यहाँ आए इतने महाकुंभ में हमने सोचा हम भी डुबकी लगा लें और चीता मित्र बने अब उसी कार्य को निरंतर और अच्छे से कर रहे हैं गांव गांव जाकर के हमने एक अभियान चलाया जागरूकता अभियान वन के पास जो लगे हुए गांव में सब में आदिवासी रहते हैं तो आदिवासियों को हमने उनकी भाषा में गीत कविताओं के माध्यम से समझाया चीता के बारे में बताया कि कैसा होता है चीता चीता भारत में कब तक था या उसके निशान कैसे रहते हैं चीता कैसे पहचान है चीता और तेंदुओं में अंतर क्या है और चीता आने से अपना कितना विकास होगा अपने क्षेत्र का कितना विकास होगा ये सब उनको समझाया अब उनकी समझ में आया है और ये जो नई पीढ़ी आ रही है उसको हम सजग बना रहे हैं कि वनवासी या वन के प्राणी अपने हैं अब की रक्षा का कर्तव्य हमारा है और ये एक निश्चित रूप से आप कह पाओगे कि अभी तक से चीता आए हैं तो एक साल के अंदर चीता तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी किसी अन्य जानवर का शिकार हमारे यहाँ नहीं किया गया ये एक प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी सफलता है